जंगीरा फोर्ट जो कहते समुद्र के बिल्कुल विच बनया हो देख सकते हो कि समुद्र आपके पूरे जोगन से लहर खिला रहा। यह हैगा जंजीरा फोर्ट जोड़ा कि समुद्र के विचाले बने हुए है। और 22 एकड़ आप घूमने जाएंगे पूरा दिन खत्म होगा, पर ये किला जो ये खत्म नहीं होता है। तो 22 एकड़ में आप लोगों को देखना क्या है, जैसे इसके अंदर राजा का दरबार है जो जमाने के अंदर 7 फ्लोर में बना हुआ था, रानी का शीश महल, चोर देव तालाब, नगार खाने, बारूद खाने, अंडरग्राउंड टनल है, वॉच टावर है, कहलनी ब्रुज है, मस्जिद है, मंदिर है और तोप है। इस किले को बनाने वाले राजा का नाम है सिद्धि जौहर। अब सिद्धि जौहर बोले सिद्धि जौहर हिंदुस्तान के अंदर सिद्धि नाम के भी दो भाषा है। सिद्धि जौहर के दो भाषा बोले गए तो महाराष्ट्र के जमाने के जो सिद्धि थे वो मुगल के जो प्रधानमंत्री थे बेरा डाल के बैठे हुए थे, और जिन्होंने ये किला बांधा ये महाराष्ट्र से 450 साल पहले बना हुआ किला है। ठीक है, सबों को बताऊंगा यहाँ पे महाराज का जन्म कब है। 1630 में किला बन के तैयार हो गया, यानी टोटल इस किले को बनाने के लिए राजा को 22 साल में उन्होंने पूरा 22 एकड़ का फुट तो बनाया, पर इतनी बड़ी हुकूमत कभी राजा ने अपने नाम से न कि अपने पूर्वजों के नाम से चलाई। इस किले का टाइटल क्या था, पंजतन पांच तीर रियासते हफ्साने जजीरा, जैसे आप लोग सुन के आए मुरूड जंजीरा, तो मुरूड एक तालुका है सर, सिटी है, जंजीरा कोई किले का नाम है, इसका रियल नाम है जजीरा। अब समंदर के बीच में जो आइलैंड होता है उसको जजीरा कहते हैं। अभी हमने अपने रिपीट करके जजीरे से इस किले को जंजीरा बना दिया, आज किला वर्ल्ड में मुरूड जंजीरा के नाम से फेमस हो गया। तो किला पंजतन पांच तीर बनेंगे तो क्या है, तो सर अंदर साइड में समाधि है जिनके कारण ये किला बना। अब ये किले को समंदर में 950 साल हो गए, पर इस आइलैंड के ऊपर समाधि को कितने साल हो गया कोई नहीं बता सकता। तो किला बनाने से पहले समाधि थी, और ये समाधि को ये लोग बहुत मानते थे, जब भी हिंदुस्तान में आने के ऊपर इनके ऊपर फूलों की माला चढ़ा के दुआएं मन्नतें करके चले जाने थे। जब यहाँ पे आ गए तूफान होने के कारण एक रात गुजारा इन्होंने, तो देखा कि समंदर का पानी किले को समाधि को टच हो गया, तो इन्होंने किला बनाया।
अभी किले के अंदर जाना कैसे आप जैसे किले के अंदर एंट्री करते हैं तो आप लोगों को पहले दरगाह मिलती है, दरगाह से राइट साइड में जाएगी आप लोगों को रास्ता मिलेगा, रास्ते से आप लोगों को छोटा सा टनल है अंदर जाना है, जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को 15 से 20 स्टेप मिलेगी, वो स्टेप चढ़ने के बाद आपको दिखेंगे किले के अंदर हिंदुस्तान की 3 नंबर की मानी गई तोप, जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। वजन कितना सर उसका, वेट कितना, तो 22 टन, 22,000 किलो का तोप किले में लाया कैसे है, इसको बनाया कैसे, तो राजा ने इसके 1-1 पीस लाया है, जैसे लेडीज बैंगल पहनते ना ऐसे बैंगल लाके इन लोगों ने जोड़ा है, और जोड़ने के लिए उस जमाने के अंदर लाइट नहीं था, गैस वेल्डिंग हो नहीं सकता है, तो शीशा जो होता है ना अपने पेंसिलों में होता है शक्ल का बूम बूम पेंसिल आते हैं ना, उसके अंदर जो शीशा होता है लेड, वही लेड का यूज़ किया ज्वाइंट करने के लिए, तो ये लेड को ज्वाइंट करने के बाद तोप को बनाने वाले ने खासियत क्या रखा कि आदमी जब धूप में रहता है 5 से 7 मिनट में अपना सर गर्म होता है, पर किले में जो तोप है ना सर 12 घंटा सन में रहने के बाद भी गर्म नहीं होता, तो उसको पंची हाथों से बनाया हुआ है। अब वहाँ पे जाने के बाद आपको 3 तोप मिलेंगे, कलाल बंगड़ी, गायमुख और चाउट। तोप देखने के बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है, आपको 2 सर्कल पार करना है, फर्स्ट सेकंड सर्कल पार करने के बाद तीसरे सर्कल में जाएगा, तीसरे सर्कल में जैसे जाते आप लोगों को विंडो से सामने वाला समंदर के बीच में एक और किला नज़र आता है, जिस किले का नाम है पद्मदुर्ग कासा किला, जो महाराज के लड़के संभाजी महाराज जिन्होंने इस किले को जीतने के लिए आगे वाला किला बनाया हुआ था। जब महाराज ने उस किले का बांधकाम स्टार्ट किया, रायगढ़ किले पे मुगलों का अटैक हो गया, रायगढ़ जो हुकूमत थी अपने महाराज की थी, उनको अपनी हुकूमत बचानी थी, तो उन्होंने क्या किया, इस किले को छोड़ दिया कि मैं बाद में जीतूंगा लेकिन रायगढ़ मेरे लिए जरूरी है, तो उन्होंने रायगढ़ को बचाया, इस किले को छोड़ दिया, उसमें ये सीधी सेफ निकल गए। बाद में इन लोगों ने अपनी पोजीशन को इतना सर मजबूत किया कि किसी भी राजा को ये किला जीतने नहीं दिया। ये तो आप जानकर आए सुनकर आए कि जंजीरा किला अजिंक्य फोर्ट में माना जाता है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान के 2 ही किले हैं जो लास्ट तक कोई जीत नहीं पाया, एक दौलताबाद का जोधपुर किला और एक मुरौर जंजीरा किला। तो इस किले को नहीं जीतने का रीजन तीन खासियत है। पहला खासियत देखो अपने बोट से स्टार्ट है कि जब तक अपना बोट गेट के पास नहीं जाएगा या अपन खुद गेट के पास नहीं जाएंगे आपको उसका एंट्री गेट पता नहीं चलता है। गेस कर लो कि एंट्री गेट इतना बड़ा है कि गेट में आज भी 200-250 लोग खड़ा रहता है, इतना बड़ा उसका मेन एंट्री गेट बनाया हुआ है। किले का दूसरा खासियत जो समंदर देख रहे हैं अभी शांत है, पर यही समंदर को आप लोग जून जुलाई में आके देखेंगे समंदर के अंदर 8 से 10, 10 से 12 फीट की वेव होती है, और ये लहर जब किले के दीवारों को टकराती है तो 90 फीट हाइट के ऊपर समंदर का पानी जम करता है, यानी किले की हाइट कम पड़ जाती है, तो वेव्स टकराने से लहर टकराने से क्या हो गया, दीवार का पत्थर खींच कर अंदर चला गया, टूट कर अंदर चला गया, पर मटेरियल देखो जॉइंट बाहर है, तो जंजीरा किला कोई अंबुजा सीमेंट से बना हुआ किला नहीं है। 1000 साल पहले कौन था अंबुजा सीमेंट बनाने वाला, तो इन लोगों ने इसके अंदर वापर क्या किया, मटेरियल क्या डाला, तो समंदर के लोग जिसको चूना गुड़ नमक और शीशा जिसको अपन लेड कहते हैं, लेड को पिघला के जॉइंट में डाला, जिसकी वजह से जंजीरा किला समंदर में खड़ा है। और इस किले का तीसरा और मेन खासियत, किले के चारों ओर आप देख सकते हैं कि ये अरबियन सी में समंदर है, समंदर का पानी तो सबों को पता है कि नमकीन होता है खारा होता है, पर किले के अंदर स्वीट वाटर लेक, इतने बड़े मीठे पानी के 2 तालाब है कि जिस बोट से अपन किले के अंदर जाएंगे ये बोट को अगर उठा के डाल दो अंदर तो एक बोट नहीं 4-5 नाव ताला चला सकते हैं, तैर सकते हैं उस तालाब के अंदर, वो नाव के अंदर तालाब जो चलेंगे तो तालाब के अंदर नाव जो चलेंगे तो तालाब कितना गहरा दिखेगा, तो आज उस तालाब की गहराई गिनी गई तो 60 फीट और दूसरे तालाब की 40 फीट। ये कोई मानसून का पानी नहीं है, ये कुदरत की देन है, क्योंकि जब ये किला बनाया राजा ने पत्थर बाहर से नहीं लाया है, यही आइलैंड को काट कर किले के बांधकाम में पत्थर लगाया है, जब ये पत्थर लगाया 50 से 60 फीट गहराई में चला गया तो उनको पानी का स्प्रिंग लग गया, जैसा ही पानी मिल गया इस किले के अंदर लोग आबाद हो गए, क्योंकि जहाँ पानी वहाँ बस्ती, तो इस किले के अंदर 550 घर आबाद थे, 2-2.5 हजार लोग यहाँ पे किले में रहते थे, तो यही राजा के लिए सैनिक सिपाही का काम करने का, तो राजा इनको खाने पीने के लिए अपने तरफ से देने का, जब तक राजा का राजपाट था 47 में अपना देश आज़ाद हो गया, राजा लोग का राजपाट खत्म हो गया, इन लोगों ने किले को छोड़ दिया, क्यों राजा जाने के बाद खाना पीना मुश्किल होने लगा, बारिश में 3 महीना नाव बंद होने लगी, तो इन लोगों ने किले को छोड़ दिया। आज ये जो किले के लोग हैं 75% लोग आज इस किले के बाहर गाँव में रहते हैं, यानी आज ये गांव के अंदर दोनों समाज किले की है, जो गांव में रहते हैं 75% लोग हैं, जो कोली और मुस्लिम दोनों समाज वहां पर है। तो इस किले में जाने के बाद आपको घूमना कैसे है, मैंने बताया आपको दरगाह से राइट मारना है, राइट मारकर तोप देखना है,
तो जैसे देखेंगे तीसरे सर्कल से आपको नीचे उतरना है। नीचे जब उतरेंगे तो आप लोगों को दो रास्ते मिलेंगे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो आप लोगों को राइट में नहीं जाना है, क्योंकि राइट में जाएंगे आप तो पूरा सर्कल में जाएंगे, दो ढाई घंटे से वापस नहीं आएंगे। तो आप लोगों को लेफ्ट साइड में उतरना है। जैसे नीचे उतरेंगे आप किले के सेकेंड फ्लोर में जाएंगे, जिसको वॉच टावर कहते हैं, और वही वॉच टावर के बाद से आप लोग जब वहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को नीचे साइड में सर दो रास्ते नजर आएंगे। उसमें दो रास्तों में एक रास्ता टनल का है। सर इस किले के अंदर जब राजा की जब हुकूमत थी ना, तो ये किला नहीं जीतने का रीज़न भी वही है कि किले के चारों तरफ में समंदर है, समंदर के नीचे से इन लोगों ने अंडरग्राउंड टनल निकाला है। तो ये टनल किले से बाहर कहाँ निकलता है, तो ये सामने के गांव में देखो नारियल के पेड़ जो यहाँ पे है ना, ये ब्लैक कलर की देखो टूटी हुई दीवार सामने अपने को नजर आती है, नारियल के पेड़ के नीचे बिल्कुल वो रास्ता वहाँ पे निकलता है, यानी उसको कहते हैं हाथी महल पैलेस, या राजा का पहला पैलेस वो, बाद में किला बनाया तो टनल वहाँ पे निकाला। इससे अपने को क्या पता चलता है कि पहले के लोगों के पास नॉलेज था, कॉलेज ही था, अभी कॉलेज है पर नॉलेज नहीं। किले की हिस्ट्री है। अब वहाँ से जब ये तालाब भी टनल देखेंगे, टनल से आगे जाने के बाद आप लोगों को तालाब के पास जाना है। जैसे ही तालाब के पास जाएगी आप लोगों को सीढ़िया से ऊपर जाने के लिए 125 स्टेप मिलेगी। 125 पायरा चढ़ने के बाद आप लोगों को काठी जैसे पॉइंट पर जाएंगे तो आपको पूरा किले का व्यू नजर आएगा। वहाँ से नीचे उतरेंगे आप दूसरे तालाब पे जाएंगे, उसे ध्यान रखिए। दूसरे तालाब पे जब जाएंगे सर आप, तो दूसरे तालाब को देखो, उसके सामने वाइट कलर की इमारत नजर आती है, वो है किले की जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद के बिल्कुल बाजू में दीवार जो नजर आएगी वो है किले की गणेश मंदिर। यानी इस किले के अंदर राजा ने हुकूमत ऐसी नहीं किया था, इन लोगों के लिए मंदिर और मस्जिद बनाया। तो दूसरा जो तालाब था सर, उस लोगों के लिए मिसाल है वो, कि क्या थी कि जब भी मंदिर मस्जिद में जाना है तो क्या करना पड़ता है, स्नान वजू करना पड़ता है। तो एक ही तालाब का पानी दोनों समाजों के लिए था, इससे पता चलता है कि वो पहले का प्यार है ना। तो इस प्यार पर एक शायरी सुन लो कि भगवान ने हमें क्या बनाने भेजे थे और हम क्या बना बैठे, कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे, अरे हमसे अच्छी जात तो इन परिंदों की है, जो कभी मंदिर पे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो जब किले से घूम कर आएंगे ना आप, मेन गेट पर आप लोगों को एक किच्छा नजर आएगी, एक शेर और छह हाथी, वो है सिंबल ऑफ जंजीरा, राजा का राजमुद्र। जब इस किले के अंदर राजा की हुकूमत थी, उनका एक ही कानून था, किले से बाहर जाने वालों के लिए मोहर का कॉइन दिया जाने का, वापसी में आते समय उनसे ये लिया जाने का। अगर बाई चांस किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं है तो वहीं पे विंडो से तीर कमान मार के उनको वहीं पे खत्म किया जाने का, वो समझ जाने का कि अपना दुश्मन या जासूस आया हुआ है। पर अभी अपने को डरने का नहीं, अपने किले की हिस्ट्री। अभी सर ये किले की हिस्ट्री आपको बोर्ड में बताने का रीजन क्या है, चालू हुआ ये 2 साल बाद, तो अंदर काफी झाड़ी खंडर हो चुका है, मेंटेनेंस की वजह से गाइड अंदर बंद है कोविड के पीरियड की वजह से। तो हम जो यहाँ पे काम करते हैं ना सर, गाइड की आशा पे, वरना यहाँ पे एक आदमी को, बोट वाले को एक आदमी को 7,000 रुपया सैलरी है। आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं कि 7,000 रुपये में किसी का गुजारा नहीं है। तो जो काम करने का रीजन है वो गाइड की आशा है। यही मालूम है, जब हम बोट में देते हैं तो एक ग्रुप के लिए 500 रुपया लगता है, 600 रुपया लगता है, लोग देके भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 500-600 नहीं देना है। अगर मालूम अच्छा लगता है तो कोई 200 कोई 300 रुपया देके जाते हैं। अगर आपको भी लगा होगा कि भाई ने जानकारी दिया है तो अपने अपनी खुशी से अपने अपने मर्जी से देना है, हमारा कोई आप पर फोर्स जबरदस्ती नहीं है। लेकिन यही पैसा जो होता है मेहनत का, जो शामें डिवाइड करके अपने घर चले जाते हैं। तो मैंने जो आपको बताया ये पिक्चर का ट्रेलर था, 1.5 घंटे की पिक्चर आप लोगों को अंदर देखनी बाकी है। तो अंदर जाना है, मैंने आपको रास्ता बताया, मालूम दिया, यही पॉइंट देख कर जब गेट पर आएंगे आप तो आप लोगों को पुष्पावती बोट मिलेगा। मैं उतरने के बाद आपको टाइमिंग दूंगा, जब उतरने जाएंगे तब। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपने अपने ग्रुप से देना है, चलो भाई इसको भी देना है, अपने अपने ग्रुप से देना, क्योंकि यही 5-6 लोगों का पैसा है। थैंक यू गरीब भाई, देने के बाद आपको उतरना है किले के अंदर। चलो 100 रुपये देना। और कोई भी आगे थे? हाँ हाँ हाँ, 100 दे। भैया भैया साहब, थैंक यू बड़े भाई।
काफी गहराई होगी यहाँ पे तो समुद्र। यहाँ पे अभी कैसे 7-10 फीट पानी है और अभी पानी भर रहा है, अभी तक तकरीबन 2-3 फीट पानी और बढ़ेगा। ओके, फिर उसके बाद जो लो टाइड होगा तो वो 6:30 बजे तक होगा शाम में। तो शाम में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बोट पे पानी नहीं मिलेगा। अच्छा। ये पानी सूख जाएगा, पीछे चल रहे वहाँ पे लगेगा, वहाँ से चल के आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे पानी नहीं है, ये पानी निकल जाता है शाम को। पानी के पीछे चला जाता, इतने हूँ 8-10 फीट पानी हैगा, समुंदर पीछे चला जाना तो ये चीज़ सुख जाती है। उधर बोट लगती है तो जितों की तुर के इतों गेट तक आना पैंदा। एक किले का मुख दरवाजा जो एक ही हैगा, दूरों नहीं देखता, कोल आके देखना पैंदा। पहला बोर्ड, दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड नहीं, आगे आगे मत बात। छोटियां तोपां लाइया सी गेट दे मूहरे, गेट दे मतलब कि नाल ही दुश्मन अटैक करने की कोशिश भी करे तां भी उन्हें जवाब दिता जाए। चलिए
बड़ा इवेंट करनी पड़ रही है। हाँ कहाँ था चल चल बरोबर लाइट पर तलाब हैगा करीब करीब 60 फुट कहिंदे डूंगा। ते दूजी हैरान करन वाली गल है भी ये पानी मिठा है, मच्छियां बहुत है। सट फुट डूंगा तालाब है जिधर पानी मिठा हले भी, क्या बात है। जंजीरा फोर्ट मेंटेनेंस का भी काम हो रहा है लगभग। छोटे छोटे भी है दराज कर लाए।
किन्ने सत मंजिला कहते सी नौ या सत मंजिला होंगे सी जी कि हम कुछ ही रह गए 100-150 पौड़ी चढ़ के उपर जा रहे हैं जितों की पूरा किले का व्यू देखूगा किड्डा कि वड्डा किला तो कहो जाए हर पासे तोप लाई हुई है जिवें जंगले जे बनाए हुए ने जंगले ते सब पासे तोपां लाई हुई है वी दुश्मन जेड़े पासों भी आवे मुंह तोड़ जवाब दिता जा सके। समुंदर दे विचाले किला जंजीरा उपर जा रहे हैं जितों की सारा किला आप देखूगा एक तलाब हो रहा दूजा तलाब हो रहा वो तलाब है दूजा ओ जड़ा कि 40 फुट डूंगा है हम दूजे तलाप नू वेखण जा रहे हैं साफ सफाई चल रही किले की सानू किले नू घूमने वास्ते पूरे 45 मिनट देते सी वोट वाले ने ते असीं फिर मेन मेन पॉइंट ही देख चुके हैं साढ़े 900 साल पुरानी इमारत दे सकते हो। ये छोटा पानी का तला
ये 40 फुट है शायद कहते। गुरप्रीत सिंह जी किदां लग्या किला घूम के? बहुत वधिया जी। समाधि बनी हुई है। अरे मसला चल रहा, किला पूरा घूम चुके हैं। जो मेन मेन पॉइंट से हम वापस जा रहे हैं। बहुत सोहना किला है, बहुत वधिया। कहते उदो की मोहर सी। बैठ जाओ बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को चरण धोने में तकलीफ होता है, इसलिए सामने की गौ से आते सर। हमें कोई सिलेरी कोई प्रकार नहीं होता है। हम लोग आप लोगों की आशा पे काम करते हैं। अगर आप लोग को लगाए ना चरण धोने में हेल्प और मदद हुआ है, आपके मन से खुशी से चाय पानी समझ के दे दो। मैं इधर ही जब मार के चला जाऊंगा आपके साथ में गाँव तक जाऊंगा सर। 12 घंटा पानी में लेके बच्चों बूढ़ों को चढ़ाना उतारना करते हैं सर। कॉलेज के स्टूडेंट है सर। आप लोग को भी लगाए ना आप लोग को चरण धोने में हेल्प और मदद हुआ है। अपने मन से देना है, किसी पे फोर्स जबरदस्ती नहीं है। देखिए सही।